ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। यदि ग्रहों की चाल ठीक है तो इसकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन, परिवार, व्यापार, नौकरी में शुभ नतीजे मिलते हैं। परंतु ग्रहों की चाल ठीक न होने के कारण जीवन कठिनाइयां पूर्वक व्यतीत होता है। इन राशियों के लोगों के ऊपर बजरंग बली जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और ये हर क्षेत्र में अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में बॉस का सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य आज बिना किसी बाधा के भी पूरा होने की संभावना बन रही है। छोटे व्यापारियों के लिए लाभ का योग बन रहा है। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपको अपने बजट के अनुसार ही खर्च करने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सामान्य रहेगी। घर के सदस्यों के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का मामला ठीक रहेगा। दोस्तों, आखिर कुंभ राशि वाले लोग भाग्यशाली कैसे साबित होंगे, साथ ही इन्हें कौन से कार्य में फायदा होने वाला है और जीवन शैली इनकी कैसे रहने वाली है, यह सभी बातें जो कि आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें, साथ ही दोस्तों के संग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में प्यार से जय बजरंगबली जी लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। काम पर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, कड़ी मेहनत करना जारी रखें और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। किसी ऋण या आर्थिक चिंता को कम करने के लिए वेतन बढ़ सकती है या फिर बोनस भी आपको मिल सकता है। उनके साथ रहे जो आप पर निर्भर है। पालतू जानवर भी सहचारिता की पेशकश करेंगे। आज संयम रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कार्यस्थान की तुलना में घर के मामलों की ओर अधिक ध्यान रहेगा। आप अतीत के बारे में सोचकर उदास महसूस कर सकते हैं। हम गलत इंसान से प्रेम कर सकते हैं, उसके लिए रो सकते हैं, लेकिन हमारी गलतियां ही हमें सही इंसान तक पहुंचने में मदद कर सकती है। दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो उन परिस्थितियों के लिए खुद को दोष ना दें जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बजाय खुद का सोचे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान सावधान रहे। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखेंगे। बस दूसरों से बात करते समय शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दोस्तों, धनराशि फल की अगर बात करें तो किसी से विवाद आपको परेशान करेगा, लेकिन सुख दुख जीवन का हिस्सा है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। व्यावसायिक जीवन में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखते हैं और आपके कनेक्शन और नेटवर्किंग को भी बढ़ाते हैं। लोगों से बातचीत करते समय खास ध्यान रखें, अन्यथा किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कार्य में नए विचार और तरीके आपको नई पहचान दिलाएंगे। दोस्तों, करियर राशिफल की अगर बात करें तो आज ऑफिस में आपको अपना ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित कर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत से व्यवधान हैं। इन परेशानियों से आपके काम में रुकावट भी आ सकती हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करें। आज आपको महसूस होगा कि आपके कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि आपके बस में नहीं है। आप इन समस्याओं का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, इससे आप इस परेशानी को टाल सकेंगे। दोस्तों, लव राशिफल की अगर बात करें तो यह दिन मनोरंजन से भरपूर है, जहां आप खुलकर जीना चाहते हैं। घरेलू कामों में आपका ध्यान अधिक होगा, लेकिन इस दौरान आपके पार्टनर को भी याद रखें। उसके लिए खाना बनाएं या कोई रोमांटिक गाना गाएं। आपका हर स्वप्न पूरा होगा, बस थोड़ी मेहनत करें। अधिक काम की वजह से आज आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका जीवन साथी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। रिश्ते में अगर कोई समस्या या तनाव चल रहा है तो जितना जल्द हो सके उसे खत्म कर दे, क्योंकि बासी फूल और बेजान रिश्ते कभी भी जिंदगी को गुलजार नहीं कर सकते। दोस्तों, स्वास्थ्य राशिफल की अगर बात करें तो कुछ अनजाहे स्वास्थ्य विकार आपके जीवन पर असर डाल सकते हैं। हो सकता है कि आप आपके जीवन में होने वाली गतिविधियों को भी प्रभावित कर सके। अच्छा होगा आप तुरंत इसका उपचार करें। इसके लिए आप किसी की भी सलाह ले सकते हैं, ताकि आप परेशानी का पता लगाकर अपना स्वास्थ्य सुधार सके। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में।
अब बात करते हैं पशु पक्षी के इन संकेतों को रखे हमेशा ध्यान में। जीव जंतुओं में प्राकृतिक आपदा वर्षा, गर्मी, सर्दी, भूकंप, ज्वालामुखी से लेकर होने वाली घटनाओं के ज्ञान की विलक्षण क्षमता होती है। इसका उदाहरण है शीत ऋतु में हजारों किलोमीटर दूर से प्रवासी पंछियों का पहुंचना, वही काली घनघोर घटाओं के आने पर स्थानीय पंछियों में हलचल होना, कौवे का मनुष्य के घर बैठकर मृत्यु का संकेत देना आदि इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसके साथ ही मनुष्य की अपेक्षा पंछी एवं जीव जंतुओं की इंद्रियां प्राकृतिक के प्रति कई गुना संवेदनशील मानी जाती है। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर और आने वाली किसी भी तरह की विपत्ति को लेकर जीव जंतुओं में पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है। हम आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ तथ्यों के बारे में जो कि सत्य साबित होते हैं। ऐसा नहीं कि जीव जंतुओं को भगवान को देखने की शक्ति होती है या कोई विशेष वरदान प्राप्त होता है, बल्कि मनुष्य की अपेक्षा पंछी एवं जीव जंतुओं की इंद्रियां प्राकृतिक जनित कारकों के प्रति कई गुना अधिक संवेदनशील और जागरूक होती है। इस वजह से वह वातावरण के परिवर्तन और घटना विशेष के घटने के पूर्व अपना बचाव व व्यवहार परिवर्तन करने लग जाते हैं। अगर हम बात करें कौवे के कई तरह के स्वभाव के बारे में तो यह कई संकेत देता है। कौवा यदि किसी मनुष्य के कंधे पर बैठ जाए तो इसे धनहानि या मृत्यु का संकेत माना जाता है। वही अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इस दौरान रास्ते में कौवा पानी पीता दिख जाए तो इसे शुभ माना जाता है। अगर कौवा सूर्योदय के समय यदि कौवा आपके घर के सामने आवाज करता हो तो धन में वृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा में लाभ होने के आसार होते हैं। अगर सुबह घर की मुंडेर पर आकर कौवा चिल्लाए तो अतिथि के आगमन का संकेत देता है। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर उल्लू से आपकी नजरें मिल जाए तो आप मालामाल हो सकते हैं। कहा जाता है कि अगर उल्लू किसी रोगी को छू लेता है या छूते हुए निकल जाता है या उसके ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाता है तो रोगी के रोग समाप्त हो जाते हैं। वही रंग बदलने वाला गिरगिट को वर्षा का मापक यंत्र माना जाता है। गिरगिट का गहरा रंग होना वर्षा का संकेत माना जाता है। अगर उल्लू किसी घर की छत पर आकर बैठे या फिर आवाज करे तो माना जाता है कि यह मृत्यु का संकेत होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में बछड़ों को दूध पिलाती हुई गाय दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको हंस, सफेद घोड़ा, मोर, तोता, शंख दिख जाए तो यह भी शुभ संकेत देते हैं। वही ध्यान रखें, आप कहीं जा रहे हो और कुंता भौंक रहा हो तो उसे भी अशुभ संकेत से देखा जाता है। तो दोस्तों यह थे पशु पंचों के कुछ संकेत जो कि आपको विपदा संकट से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।